नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु की घनी आबादी वाले बाजार ठठियार में बर्तनों की दुकान को लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पहुंच कर पाया काबू। धुरी पुलिस ने स्नैचिंग और चोरी की वारदात करने वाले 5 आरोपियों को किया काबू। 5 ग्राम हेरोइन, 1 मोबाइल किया बरामद। जालंधर के मेहंदी रत्ता परिवार ने 110 छात्राओं को प्रदान की छात्रवृत्ति। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और सांसद सुशील रिंकू ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु की घनी आबादी वाले बाजार ठठियार में गत रात्रि बर्तनों की दुकान में आग लग गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक कुलदीप कुमार ने बताया कि गत रात्रि वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनकी दुकान में धुआं निकल रहा है। जब उन्होंने आकर दुकान खोली तो अंदर आग लगी हुई थी, जिसके बाद जंडियाला गुरु फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वह तुरंत मौके पर पहुंच गए। इस दौरान जब काफी कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो अमृतसर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद अमृतसर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। घनी आबादी होने के कारण आसपास की दुकानों और दुकानों के मालिकों को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं आग उनकी तरफ ना आ जाए। काफी देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ईटीओ के भाई सतेंद्र सिंह, शहर के गणमान्य लोग के अलावा नरेश पाठक, सरबजीत सिंह, डिम्पी, स्थानीय पुलिस प्रभारी गुलशन जैन, एसपी जसवंत कौर, डीएसपी जंडियाला गुरु, सेंट्रल इंस्पेक्टर संकल्प, सुखदेव सिंह, बलविंदर सिंह, ब्रिज मल्होत्रा और बिजली कर्मचारियों ने भी इस आग को बुझाने में अपना विशेष योगदान दिया। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि इस आगजनी के कारण उसका लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। ਫਾਂਟੇ ਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਸਖੀ ਆਏ ਆ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੂਆ ਖੋਦਿਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੌਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਤੇ ਛੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ? 4 ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, 3 ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ। पंजाब में चोरी और स्नैचिंग की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिनको खत्म करने के लिए संगरूर के एसएसपी सुरेंद्र लांबा, धूरी के डीएसपी और धूरी थाना सिटी के प्रभारी के द्वारा एक मुहिम के तहत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंधी मीडिया से बात करते हुए धूरी के डीएसपी करण सिंह संधू ने बताया कि धूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 स्नैचर और 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसी के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 ग्राम हेरोइन और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने और नशा करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि वह समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते रहेंगे, जिससे लोगों को राहत मिले। वहीं वह लोगों को कहना चाहते हैं कि वो भी घरों और अपने बिजनेस वाली जगहों पर कैमरे लगवाएं, जिससे वारदात करने वालों को पकड़ने में सहायता मिल सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। चोरों के खिलाफ, स्नैचरों के खिलाफ, तो जो नशा समगलर ने उन्होंने खिलाफ जी मुहिम चलाई है, वो असी 6 वक् मुकदमे दर्ज किए ने। सब डिविजन धूरी, सिटी धूरी 3 ने, 1 शेरपुर, 2 शेरपुर, 1 सदर धूरी। वो जी एक तो 2 मुकदमे ने जोड़े स्नैचिंग के ट्रेस किए ने। एक वीडियो वायरल हो रही थी काफ़ी ब्रह्मा कुमारी तो इधर डबल फाटकों के कोलों जोड़ा एक परस खोया से किसी ने, वो असी 24 घंटे के अंदर अंदर ही दोषियों। हाँ जी हाँ जी, ई रिक्शा वाले ने, वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही दोषियों को ट्रेस करके उन्होंने गिरफ्तार करके जोड़ा माल जोड़ा बरामद करवा लिया। एक परस से
उहदे च कुछ पैसे सीगे ते उहनां दे कुछ डॉक्यूमेंट सीगे ਉਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਅਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਕੂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਪਿੰਡ ਭੱਦਲਵੱਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਨਰਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵਰਦਾਨ ਬਨਕਰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਨੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ NRI ਆਸਟਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕਾ भविष्य खराब ना हो उनके लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इसी कड़ी के चलते बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रसिद्ध समाज सेवक प्रमोद मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से NRI भाइयों के सहयोग से इस वर्ष मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास करने वाली लगभग 110 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये छात्रवृत्ति प्रमोद ऑफिस अड्डा बस्ती दानिश मंदा में करवाए गए समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू, ऑस्ट्रिया निवासी प्रमोद मेहंदी रत्ता के भाई समाज सेवक रविंदर मेहंदी रत्ता, समाज सेवक राकेश कश्यप, रिटायर्ड बैंक अधिकारी मदनलाल, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा डोगरा, निखिल चांदनी के कर कमलों से छात्राओं को प्रदान की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने इस कार्यों के लिए मेहंदी रत्ता परिवार को बधाई दी और कहा कि प्रमोद मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से ये जो पुनीत कार्य किया जा रहा है वह उसकी प्रशंसा करते हैं और छात्र रूपी उपस्थित कंजकों से प्रार्थना करते हैं कि वह इस परिवार को आशीर्वाद दें कि आने वाले दिनों में भी वह इसी तरह समाज सेवा के कार्य बढ़ चढ़ कर करते रहें। समाज सेवक रविंदर मेहंदी रत्ता की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू व साथाय गणमान्यों का स्वागत कर उन्हें मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस छात्रवृत्ति को प्रदान करने से पहले लड़कियों ने अपने परिवार के साथ आकर अपना आधार कार्ड एवं मेरिट लिस्ट का प्रूफ निकालकर मेहंदी रत्ता परिवार के दफ्तर बस्ती दानिशमंदा अड्डा नजदीक PNB बैंक के पास आकर जमा करवाया था जिसके आधार पर यह सारा कार्य किया गया है। इस मौके पर अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। इस तरह जो फंक्शन है ये बच्चों प्रमोद कुमार जी NRI आस्ट्रेलिया के बच्चों उन्होंने वालों का बच्चों को मोटिवेट किया जाता हर साल बच्चों लगातार 7-8 साल का लगभग इदा बच्चों को मोटिवेट करने का और बच्चों जिदा रिजल्ट आए इस साल भी इदा 10th और प्लस 2 के आप उन्होंने डॉक्यूमेंट लैने चालू करते बच्चों 1 जून तो लैके 30 जून तक अभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे तो बाकी बच्चों एक तक बच्चों को बुला के मोटिवेशन का काम चालू करता 5 तारीख तो अब बच्चों साढ़ा सैकंड दिन से हर साल मैं उन्होंने प्रमोद जी बहुत धन्यवाद बहुत सत्कारयोग सारे अरुण प्यारे मैंबर पार्लियामेंट सुशील बिंगू जी जिन्हों का हर धार्मिक समाजिक विकारिक मत बहुत सुख लगाया इन्होंने पिछले कुछ महीनों से जितों तो बाद जलंधर ना रह के सारे पंजाब शहर वासियों सरकार को जाके सारिया प्रॉब्लम समाधान कराने लिए इन्होंने सिर धड़ की बाजी लाई हुई है। मैं इन्होंने जलंधर वासियों वालों अपने वालों शक्तिपीठ देवी मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों व्यापारियों वालों भी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी है कि बहुत दिल्ली तक जलंधर की आवाज उन्होंने पहुंचाया। मैं महारानी अगर अरदास करना इन्हों चढ़ती गलत
अज मेहंदी रत्ता परिवार वालों हर साल की तरह बच्चों नूं जिहड़ा पढ़ाई दे नाल पढ़ाई दे प्रति प्रेरित करन दे लई जिहड़ा हर साल बच्चों नूं जिहड़ा कुछ ना कुछ राशि है जिहड़ी वो हैल्प दे तौर ते दित्ती जांदी है। सो मैं बहुत धन्नवादी हाँ प्रमोद मेहंदी रत्ता जी का रविंदर मेहंदी रत्ता जी का कि जिहड़े हर साल करीब 6000 तो भी वध साडियां जिहड़ियां लड़कियां 10th और प्लस टू उन्होंने जोड़ा राशि जोड़ा भेट करते हैं। सो मैं समझदा कि अज के समय के बहुत बड़ी जरूरत है कि साडे समाज दड़कियाँ लड़कियां अगे वधन और समाज की अपने परिवार की बागडोर संभालन समाज की देश की बागडोर संभालन क्योंकि अज समय अज कोई भी खेत्र है चाहे वह पढ़ाई का है चाहे वह खेडों का है चाहे कोई भी कंपीटिशन है तो साढ़े देश दियां जिहड़ियां लड़कियां उहदे विच लड़कियां नालों भी वध परफॉर्म कर रही। सो मेहंदी रत्ता फैमिली ने सारे बच्चों मोटीवेट करन दा जिहड़ा इह उपराला कीता मैं अपने वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा और खास करके आदरणीय श्री शीतल वेद जी जिहड़े कि दैनिक सवेरा अखबार के चीफ हैं और देवी तलाब मंदिर के प्रधान हैं जिन्हां दियां सेवावां अधीन अज देवी तलाब मंदिर है जिहड़ा बहुत तरक्की कर रहा और संगत लई एक बहुत ही अच्छी जिहड़ी व्यवस्था है वो मंदिर दे विच जिहड़ी कीती जा रही है। सो मैं समझदा कि असी सारे रल मिल के समाज नूं अगे वधाउण दे विच अपना सहयोग जिहड़ा दे सकते हैं और खास करके जिन्ने तुसीं बच्चे अज प्लस टू दे सारे बच्चे प्लस टू जिन्नियां मेरियां छोटियां भैणां जिन्होंने प्लस टू पास कीती है मैं तुहानूं सारयां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा तुसीं सारे बच्चे प्लस टू दे विचों पास होए हो और मैं आस करदा और तुहानूं मुबारकबाद देना और क्योंकि तुसीं सारे बच्चे कोई ना कोई कोर्स है जिहड़ा अगला चाहे वह डिग्री कोर्स है चाहे कोई होर चाहे वह बी ए का चाहे आर्ट्स का कुछ ना कुछ जरूर तुसीं अगली जिहड़े शहर का नाम रोशन करो और तुहाडे विचों मैं आस करांगा कि बच्चियां डॉक्टर बनन IAS बनन IPS बनन बैंक के चंगियां नौकरियां करन देश की सेवा करन इस गल की मैं तुहानूं मनोकामना करता होया तुहानूं बहुत बहुत बधाई देना बहुत बहुत बधाई सर। संगरूर के लहरा गागा के भुटाल कला गांव में किसान के खेत में 30 एकड़ बासमती धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। किसान ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया है। किसान का आरोप है कि वह महंगे दाम पर धान की बासमती किस्म का बीज लेकर आया था लेकिन अब खेत में धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है जिस कारण उसे ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। अब उसे दोबारा से फिर धान लगानी पड़ेगी। किसान ने बताया कि उसने 30 एकड़ रेट पर जमीन लेकर खेती की। किसान का कहना है कि इस धान के बीज की बिजाई करने के समय बढ़िया कंपनी की कीटनाशक दवाएं प्रयोग में लाई गईं, लेकिन फिर भी फसल बर्बाद हो गई। इसलिए वह चाहते हैं कि उसके नुकसान की भरपाई हो। तो वहीं अन्य किसानों ने कहा कि जिस लुधियाना के बीज मार्ग से बीज लेकर आए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे और इस किसान के हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। दूसरी ओर खेत में गए कृषि अधिकारियों का कहना है कि वह इसकी रिपोर्ट बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। साडा पिंड भटाल कलां है जी। असीं ये लुधियाने तो बीज लिया 1886 का ते इहदे विच झंडा रोग आ गया। झंडे करके सानूं इह बौणा पै गया जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-65% ਝੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ 30 ਏਕੜ ਹੈ ਜੀ। 30 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਬਤੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 30 ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਣ ਬੀਜਿਆ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਣ ਹੈ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 62,000 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਜੀ ਇਹਦਾ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਵਾਹਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਲਿਕੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦੇ, ਅਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਸੀ ਸੁਪਰ ਗੋਲਡ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਹੈ 1886, ਕਿਹੜਾ 1886? ਹਾਂ 86 ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ PAU ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 30 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਇਓ ਹਰਜਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਡੋਬਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆ ਫਸਲ ਰਕਸ਼ਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਓ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂੜੀਚਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, 10 ਕਿੱਲੋ ਰੂੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਡ, ਜੇ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਸ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੜਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਿਥਾਇਲ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੈਜੀਡਿਊ ਇਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਲਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਮਿਥਾਇਲ 70% WP, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बॉलीवुड फिल्मों में लगातार बैक टू बैक पंजाबी फिल्में आ रही हैं, जो कि दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आ रही हैं, और इन फिल्मों की स्टार कास्ट अक्सर ही सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर फिल्म की कामयाबी की अरदास करती दिखाई देती हैं, जिसके चलते एक बार फिर सचखंड श्री दरबार साहिब में कद्दे दादे दियाँ कद्दे पोते दियाँ फिल्म की स्टार कास्ट माथा टेकने के लिए पहुंची। इस दौरान फिल्म की टीम की ओर से सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर पवित्र गुरबाणी के कीर्तन का श्रवण भी किया गया। ये फिल्म 14 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है, और इस फिल्म की शूटिंग अधिकतर अमृतसर शहर में ही की गई है। इस मौके पर फिल्म के कलाकारों ने कहा कि वह फिल्म के रिलीज होने से पहले श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं और वाहेगुरु के समक्ष अरदास करने के लिए आए हैं कि लोग इस फिल्म को अपना पूरा प्यार दें। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वह अपने परिवार के साथ मिलकर इस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं हरीश वर्मा, असीं दरबार साहब महाराज तो अरदास करन आए हैं महाराज बुरे, तो असीं गुजारिश करन आए हैं भी साडा जिहड़ी साडी मेहनत है जिहड़ी 14 तरीक नूं सिनेमा घरां च आउणी है साडी फिल्म कदे दादे दियां कदे पोते दियां, वो फिल्म जो असीं सारयां दे मूहरे रखांगे सिनेमा हॉल च तो पसंद आवे सारयां नूं। ये बेसिकली परिवारक फिल्म है, तो मैं यो चाहना कि साड़ी गुजारिश है भी परिवार जरूर देखना आन इस फिल्म में, ताकि इस जो रिश्तों की गल की हुई है वो सारे देख के एहसास हो कि हाँ जो फीलिंग खत्म हो रही रिश्तों चो मुड़ के जिंदियाँ हो सके। बस सारे अपने परिवार नाल जाए, न्याणिया नाल, स्पेशली बजुर्गों नाल, उन्होंने ना भुल्यो क्योंकि उन्होंने की गल करती है यह मूवी। तो बस धन्यवाद जी, 14 जुलाई में पहुँचे हो सारे, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲਕ ਬੁਗਨੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ।
बस पटाके ने ते 14 जुलाई नू कदे दादे दियां कदे पोते दियां बहुत अच्छा मैसेज हैगा और बहुत कॉमिक फिल्म है। अमृतसर में मारुति सुजुकी की इनविक्टो को स्वानी नेक्सा लीडरशिप ट्रिलियम मॉल के सामने बतौर मुख्य मेहमान पहुंचे विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, डीलरशिप मालिक बलदीप सिंह, गुणदीप स्वानी सेल्स टीम के सदस्यों द्वारा लॉन्च किया गया। इस अवसर पर स्वानी मोटर के गुणदीप सिंह ने बताया कि मारुति सुजुकी की इनविक्टो एक प्रीमियम गाड़ी है। इसका 2.0 लीटर इंजन CVT ट्रांसमिशन के साथ इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक है, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 24,79,000 रुपये है। ये MPV गाड़ी हाइब्रिड पावर वाली है और यह हाइब्रिड सिस्टम इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव मोड के बीच आसान ट्रांजिशन प्रदान करता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की। जो ब्रांड है अपने आप के बीच एक बहुत ही देखो पूरे इंडिया के बीच काफ़ी मशहूर है। सुजुकी का एक मॉडल इनविक्टो इसका शुभारंभ आज हो रहा है। स्वानी मोटर्स जो इस मतलब एजेंसी नु तुसी नेक्सा दे नाते जानते हो ते स्वानी मोटर्स वालों यदा आगाज किया जा रहा है। मैं इन्हां नु बधाई दिंदा हूँ, शहर वासियों नु मैं बधाई देवांगा कि एक SUV मॉडल है और बहुत वधिया है। इनू असी देख लिया वधिया तरीके दे नाल और काफ़ी ये फीचर्स इस तरह के ने जो कि लोगों बहुत पसंद आऊंगे और मैं सारे बधाई देवगा। मेरा नाम हंसदीप सिंह स्वानी हैगा। वी आर हेयर टूडे एट स्वानी मोटर्स नेक्सा। असी तुहानू सारिआं नू दसना चाहते हैं कि यह नवी गड्डी इनविक्टो लॉन्च हुई है। यह मारुति की सब तो प्रीमियम पोजिशन कार हैगी है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। जे असी गल करिए तो ये 2000 CC का इंजन हैगा, 7-seater, 8-seater कॉन्फिगरेशन दे विच हैगी है, स्ट्रोंग सुजुकी बिल्ट क्वालिटी हैगी है। इन टर्म्स ऑफ इंजन का ही गल करिए तो देयर इज दिस ECVT इंजन जिहड़ा कि मारुति का फ्लैगशिप हाइब्रिड इंजन हैगा है, जिहदे विच कंपनी दे विच एवरेज क्लेम कर रही है अबाउट 23.48 किलोमीटर पर लीटर। इन टर्म्स ऑफ जो प्राइसिंग गल करिए, दिस इज बेस्ड ऑन द इनोवा हाईक्रॉस। तुसी सारे जानते हो कई मॉडल्स इनोवा की वेटिंग इन्नी ज़्यादा हो गई है, कंपनी ने बुकिंग रोक ली है, बट एट मारुति साढ़े को वेटिंग बहुत घट है उन्होंने नालों इन कंपैरिजन। एक गड्डी 8 to 10 महीनों के विच मिल रही है। विधानसभा हलका सुनाम के नज़दीक गांव नमोल में विवादों में चल रही पार्क की जमीन को लेकर अब दलित भाईचारा सामने आया है। वहीं बड़ी गिनती में पार्क बनाने वाली जगह पर इकट्ठा हुए दलित भाईचारे के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द पार्क बनाया जाए। दलित भाईचारे के लोगों का कहना है कि उनके मोहल्ले के सामने इस जगह पर खुले पखाने हुआ करते थे, जिसे मोदी सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की नीति के तहत बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर लगातार गंदगी फैल रही थी और लोगों के लिए ये जगह बीमारियों का घर बन रही थी। लेकिन कुछ शरारती अंसर यहाँ पार्क नहीं बनने देना चाहते, इसलिए प्रशासन से अपील की है कि उन पर कार्रवाई की जाए और पार्क का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 2-4 बंदे जेडे शरारती बंदे ने, सारे बंदे ने सहमति ते जेडे जेड़ा मौके दा मेंबर भी सी ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ 2-4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਤਾਂ 5-10 ਕੁ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। सावन माह शुरू हो गया है। इस बार सावन माह 2 महीनों का होगा, जिसमें 8 सोमवार के व्रत आ रहे हैं। वहीं सावन माह को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किशनपुरा शमशान घाट में स्थित शिव मंदिर में भक्तजन बड़ी संख्या में पहुंचकर रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। इस दौरान भक्त शिवलिंग पर कच्ची लस्सी, जल, बेलपत्र, सुगंधित पुष्प इत्यादि चढ़ाकर उनकी आराधना कर रहे हैं और पारिवारिक सुख की मंगल कामना कर रहे हैं। वहीं भक्तों का तांता सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा। जालंधर से हलचल के लिए सुरिंदर बावा की रिपोर्ट। आज ही सब सज्जन मित्र
भोलेनाथ महाकाल के द्वार किशनपुरा शमशान घाट में आए और महाकाल सब संतों पर अपार कृपा करें। इस सावन महीना 59 दिन का है, ये सावन महीना 59 दिन का है। सभी भक्तजनों को विनती है कि सब सब पर महाकाल कृपा करें और इस मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा अनुसार जल अर्पित करें। जय भोलेनाथ। 59 दिन का इस बार सावन महीना प्रारंभ हो रहा है, यह सावन महीना सबके लिए अच्छा हो और सबके सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो और सबके काम बनाने वाला हो और सब पर भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद हो और सभी के परिवार, सभी के घर परिवार एकदम स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और अच्छे रहे और सभी हंसते रहे, खेलते रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला गुरु की घनी आबादी वाले बाजार ठठियार में बर्तनों की दुकान को लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पहुंच कर पाया काबू। धूरी पुलिस ने स्नैचिंग और चोरी की वारदात करने वाले 5 आरोपियों को किया काबू, 5 ग्राम हेरोइन, 1 मोबाइल किया बरामद। जालंधर के मेहंदी रत्ता परिवार ने 110 छात्राओं को प्रदान की छात्रवृत्ति, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और सांसद सुशील रिंकू ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।